Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter, chapter number 2, and the name of the chapter is Microorganism, Friend and Foe. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वैक्सीनेशन टेक्निक देखा था, वैक्सीनेशन क्या होता है हमने ये समझा था, ठीक है. सो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है. सो वैक्सीनेशन एक ऐसी टेक्निक होती है बेटा, जिस टेक्निक के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं. तो वैक्सीनेशन एक टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू आप अपने बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है, क्लियर. अब देखिए जो वैक्सीनेशन होता है उस वैक्सीनेशन के अंदर जो वैक्सीन्स लगाई जाती है, ठीक है, वो वैक्सीन क्या है, ठीक है, वैक्सीन से हम क्या समझते हैं, क्या है वैक्सीन. देखिए वैक्सीन को समझने से पहले दो चीजें समझते हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी, ठीक है. देखिए बाहर से हमारी बॉडी में जब भी कोई डिजीज होता है तो वो डिजीज किसके कारण होता है, पैथोजेंस के कारण होगा, ठीक है, किसके कारण होगा, पैथोजेंस के कारण होगा. पैथोजेंस क्या होते हैं, तो पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस हो सकता है, ठीक है, क्लियर. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं, उनको हमने पैथोजन बोला. अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है. तो हमारी बॉडी के लिए वो जो बाहर से एंटर कर रहा है, ठीक है, वो एंटीजन कहलाएगा. क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा. एंटीजन किसे कहेंगे, वो माइक्रोब्स, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे एंटीजन्स हैं, क्लियर है, ठीक है. दो चीजें, एक है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी, ठीक है. तो एंटीजन जो बाहर से एंटर कर रहा है, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और जब वो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी के लिए अननोन पर्सन के जैसा होता है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में पहले से वैसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. अचानक से बाहर से एक नया माइक्रोब आया, अब वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल न्यू मेंबर है, ठीक है, बिल्कुल अनजान है, तो उसके लिए हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाना चालू करती है, ठीक है. हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अपोजिट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है, और एंटीबॉडीज बनाकर उसको किल करना स्टार्ट करती है, ठीक है. बाहर से कोई अनजान आया है तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, मारने की कोशिश करती है, और मारने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है. मतलब एंटीजन के अपोजिट क्या बनता है, एंटीबॉडी रेडी होता है. तो एंटीजन समझ में आया क्या होता है, ठीक है. तो ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है बेटा, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, तो वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डोज हम डालते हैं बॉडी के अंदर, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, छोटा सा स्मॉल डोज हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और वो डोज किसका होता है, तो वो डोज होता है एंटीजन का. वो डोज किसका होता है, एंटीजन का. एंटीजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है, क्लियर. उसी को हम बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है. तो अब आपको भी ये चीज़ अजीब लगेगा कि जैसे अभी जो है वैक्सीन जो बनाई जा रही है, ठीक है, अभी जो वैक्सीन्स लग रही है, तो आप कहोगे कि अच्छे अभी जो वैक्सीन लग रही है वो तो कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाई जा रही है, ठीक है, कोविड से बचने के लिए लगाई जा रही है. तो क्या अभी हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है वो तो कोरोना वायरस है, तो क्या हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस डाला जा रहा है. तो एक्चुअल में जो रियल में जो इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन में, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ही है, ठीक है,
बट एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है कि हम माइक्रोब्स को डालते तो हैं बॉडी में, बिल्कुल हम अभी डाल रहे हैं वैक्सीन, वैक्सीन जो लग रही है उसके अंदर हम डाल तो रहे हैं कोरोना वायरस ही, बट उसका फॉर्म अलग है। मीन्स जो कोरोना वायरस है हम उसको एक्टिवली नहीं डाल रहे, ठीक है, एक्टिव करके नहीं डाल रहे हैं। जो कोरोना वायरस है उसको हम क्या कर रहे हैं, उस वायरस को मार के, ठीक है, डेड वायरस, बिल्कुल डेड वायरस। अब मारा जाता है, अब किसी भी, किसी के थ्रू भी मारा जा सकता है, हीट के थ्रू मारा जा सकता है, ठीक है, रेडिएशंस के थ्रू मारा जा सकता है, क्लियर। तो उस वायरस को हम पहले किल कर रहे हैं, डेड कर रहे हैं, या तो आप कंप्लीट डेड करो या फिर आप उसको अधमरा करो, मतलब हाफ डेड, ठीक है, उसको कमजोर बना दो, ठीक है, वीक कर दो, इतना वीक कर दो कि वो आपकी बॉडी में जाकर आपको, आपकी बॉडी पे अटैक ना कर सके, ठीक है, आपको वो बीमार ना कर सके। बट आपको बीमार तो नहीं कर सकता वो, ठीक है, पर एक काम जरूर कर सकता है, वो क्या, वो ये कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको स्टिमुलेट कर देगा। उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, मतलब उसको वो जगा देगा, ठीक है। जैसे ही बॉडी के अंदर जो मरा हुआ जो कोरोना वायरस है वो एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून पावर है, हमारी जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है। और स्टिमुलेट होने से क्या होगा, वो जो बाहर से जो एंटीजन डाला गया है उसके अपोजिट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज। और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी तो क्या होगा, इससे मान लीजिए आपकी बॉडी में एक्टिव कोरोना वायरस अगर एंटर करता है तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज उसके लिए बनी हुई है, तो वो एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वैक्सीन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वैक्सीन इज अ स्मॉल डोज, ठीक है, वैक्सीन इज अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीक्ड, मरा हुआ या कमजोर, इतना कमजोर, इतना कमजोर होगा कि वो आपको, आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएगा, आपको बीमार नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। तो या तो पूरी तरीके से मार के, पूरी तरीके से मारकर आप उसको इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, या फिर उसको इतना वीक कर देंगे कि वो आपकी बॉडी पे अटैक ना कर सके, है ना, इतना वीक या इतना डेड करेंगे, किसको, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, किसको, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, मतलब वही माइक्रोब्स जिसके कारण डिजीज हो रही है, ठीक है, आप उसी माइक्रोब्स को इंजेक्ट करेंगे पर उस माइक्रोब्स को मार के, ठीक है, क्लियर है, इसको ध्यान रखना है, ओके। अब ये यूज कैसे आएगा हमारी बॉडी में, वर्क कैसे करेगा, तो हमारी बॉडी में वर्क ये करेगा कि ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, स्टिमुलेट मतलब उसको जगा देगा, हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है ना, स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको वो जगा देगा, स्टिमुलेट कर देगा। और स्टिमुलेट करने से क्या होगा, हमारी बॉडी उस एंटीजन के लिए, एंटीजन जो बाहर से आ रहा है, बाहर से जो एजेंट आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो एंटीजन कहला दिया, ठीक है। अब उस एंटीजन के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, वैक्सीन, समझ में आ रही चीज। तो वैक्सीन का मतलब पता चला क्या होता है, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार के या अधमरा करके हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इंजेक्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स होती है वो स्टिमुलेट होती है, और स्टिमुलेशन से हमारी बॉडी उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी रेडी करना स्टार्ट कर देती है, और इसी को कहा जाता है वैक्सीन, ठीक है। तो जो वैक्सीन लगाई जा रही है अभी के टाइम पे, वो वैक्सीन, सभी वैक्सीन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जितनी भी वैक्सीन हैं उन सब का प्रिंसिपल एक ही है कि हम एंटीजन को डालें, हमारी बॉडी में एंटीजन को डालें, और एंटीजन को जैसे ही डालेंगे हमारी बॉडी उसके, उस एंटीजन के अपोजिट में एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देंगी, ठीक है। और जब एक बार एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन गया, उसके बाद अगर वो वायरस
ठीक है, या वो वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज उसके लिए तैयार है, लड़ने के लिए उसके लिए पहले से ही हमने सैनिक तैयार कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? तो वैक्सीनेशन। अब एक चीज और देखिए, जो वैक्सीनेशन है बच्चों, है ना, वैक्सीनेशन जो बच्चों को लगाया जाता है, जो बच्चों का जो टीकाकरण किया जाता है छोटे बच्चों का, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एज पे, मतलब अलग अलग वैक्सीन अलग अलग एज पे लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर वैक्सीन का जो एज है ना वो एक ही है, मतलब एक ही एज पे आप सारे वैक्सीन लगा दो बच्चों को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक टाइम शेड्यूल होता है, एक ड्यूरेशन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज पे वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन होती हैं। ठीक है, और अलग अलग वैक्सीन को अलग अलग एज पे लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट शेड्यूल होता है, ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग एज पे अलग अलग वैक्सीन लगाना, इस पूरे शेड्यूल को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज? अब देखिए, जो वैक्सीन है, इस बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन बन चुकी है। ठीक है, अब वैक्सीन को आप या तो इंजेक्शन के थ्रू लें, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाएं, जैसे अभी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करवाया जा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, एंटीजन डाले जा रहे हैं बॉडी के अंदर। अब इसके अलावा हम ओरली भी ले सकते हैं। ओरली का मतलब ये कि आपने सुना होगा कि जो पोलियो है, पोलियो की ड्रॉप्स डाले जाते हैं छोटे बच्चों को, डाले जाते हैं ना, तो पोलियो का जो वैक्सीन है वो ओरल दिया जाता है। ठीक है, पोलियो की ड्रॉप डाली जाती है मुंह में। ठीक है, तो आप वैक्सीन को आप इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, और आप ओरली भी ले सकते हैं, मतलब वैक्सीनेशन दोनों तरीके से किया जाता है। समझ में आ गई चीज? अब देखिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन ढूंढी गई है, लाइक पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मम्स है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो वायरस से होने वाली डिजीजेस हैं उनके लिए वैक्सीनेशन रेडी हो चुकी है। ठीक है, देखिए, जिसमें से हम दो साइंटिस्ट के नेम पढ़ेंगे बेटा, दो साइंटिस्ट के नेम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन वैक्सीन को डिस्कवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों साइंटिस्ट। ठीक है, सबसे पहला है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की। किसकी? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, 1798 में की थी। क्लियर है? उसके बाद जो सेकेंड साइंटिस्ट है हमारे, वो है मॉरिस हेलमैन। ठीक है, मॉरिस हेलमैन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन, सबसे कम समय में वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ठीक है, सबसे कम समय में। देखिए, एक नॉर्मल वैक्सीन जो होती है ना, कोई भी बीमारी जब फैलती है, कोई भी महामारी फैलती है, तो उसके लिए जो वैक्सीन जो बनाई जाती है वो वैक्सीन इतनी जल्दी बनाई नहीं जाती है। ठीक है, वैक्सीन को बनने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। अगर आप एक सही वैक्सीन और प्रॉपर तरीके से वैक्सीन को रेडी किया जाए तो उसको रेडी होने में टोटल कितना टाइम लगता है? 5 से 10 साल आराम से लगते हैं एक वैक्सीन बनने में, है ना, समझ में आ रही है चीज़? क्योंकि वैक्सीन इतनी ईजिली नहीं बन जाता है। ठीक है, इतनी ईजिली नहीं है कि हमने तुरंत बना लिया। ठीक है, वो तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि अभी के टाइम पे हमें इतनी जल्दी वैक्सीन रेडी होकर हमें मिल भी गई है और सबको लग भी रही है वैक्सीन। ठीक है, अदरवाइज जो वैक्सीन है वो वैक्सीन जो है उसको रेडी होने में, प्रॉपर तरीके से रेडी होने में 5 से 10 साल लगता है। ठीक है, वैक्सीन की डिस्कवरी होती है, वैक्सीन की डिस्कवरी होने के बाद फिर हम उसके टेस्ट करते हैं। ठीक है, प्री क्लिनिकल टेस्ट जाता है। ठीक है, प्री क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है, मतलब पहले उसको टेस्ट किया जाता है, एनिमल पे टेस्ट किया जाता है, ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट किया जाता है, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, इंसानों पे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो इंसान खुद कहता है मुझ पे टेस्ट करो, वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ह्यूमन ट्रायल होता है, देन उसके बाद उस वैक्सीन को लाइसेंस मिल जाता है कि ठीक है भाई, अब इतने पीपल्स, कम से कम हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स पे ट्राई किया जाता है। अगर उस पर वो वर्कआउट कर रहा है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो फिर हम आगे क्या करते हैं, उसको लाइसेंस देते हैं कि हाँ भाई, अब इस आप वैक्सीन को रेडी करना चालू करो। फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत लार्ज स्केल में की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो कितने सारे स्टेप होते हैं एक वैक्सीन को ढूंढने में और एक डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बीच में बहुत सारा
टाइम जो है वो लगता है, 5 से 10 साल लगता है। तो ये जो मॉरिस हेलमैन थे, मॉरिस हेलमैन जो है, इन्होंने बहुत सारी वैक्सीन्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। कई सारे वैक्सीन्स बनाने में इन्होंने हेल्प की है, ठीक है। लाइक इन्होंने मम्स, सबसे पहले मम्स का जो, मम्स एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, जिसकी वैक्सीन रेडी इन्होंने ही की थी, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये जो मम्स है वो इनकी बेन की जो डॉटर है उनको मम्स हुआ था, ठीक है, इनकी जो डॉटर थी उनको मम्स हुआ था और अपने डॉटर के लिए इन्होंने मम्स की वैक्सीन रेडी की थी, सबसे कम समय में की थी, 4 से 5 साल में इन्होंने मम्स की वैक्सीन जो है वो रेडी कर ली थी, अपने ही लैब में इन्होंने रेडी की थी। ये एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो इन्होंने और भी कई सारे वैक्सीन्स जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, ठीक है, और रुबेला, ऐसे कई सारे बीमारियों के लिए जो वैक्सीन है इन्होंने रेडी की है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन दिया है, ओके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये दोनों, जिनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये कंप्लीट हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेज में, वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा, ओके। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूजेज, तो इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के यूजेज हैं इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सॉइल के अंदर अगर फर्टिलिटी लॉस हो गई है, सॉइल में मान लीजिए नाइट्रोजन जो है उसकी कमी हो गई है, तो आप उस लॉस्ट फर्टिलिटी को रीगेन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करता है, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या काम करता है बेटा, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है, और अपने रूट नोड्यूल्स के अंदर, किसमें, अपने रूट्स पे जिनके नोड्यूल्स बने रहते हैं उन नोड्यूल्स में वो नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग की जाती है, जब कटाई की जाती है, तो जो रूट नोड्यूल्स है, जो रूट के ऊपर जो नोड्यूल्स बने हुए हैं वो नोड्यूल्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल में मिक्स होने के बाद वो सॉइल के अंदर जो लॉस फर्टिलिटी है उसको फिर से रिगेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है, उसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी हमारी हेल्प करता है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसका जो फोर्थ जो हमारे यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो है क्लीन, ठीक है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको वो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज मतलब उसको तोड़ते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है, और सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हैं, सारे उसके यूजेज ही हैं जो हमने पढ़े। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड कैसे होता है ये तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन कैसे साबित होता है, ठीक है।